बारिश को देख के इनका बचपना जाग गया। हाँ करो करो करो, मजा आ रहा है भाई, फूल ये के। हम हैं अभी किचन में और मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ इनकी बैक कैमरे से कि ये क्या क्या कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो गाइस रात के बज रहे हैं अभी 2, हमें रात को एकदम से भूख लग गई है तो हम लोग आए हुए हैं जामा मस्जिद में। ये रहे आरिश, ये रहे और ये रहे ये। तो हम आए हुए हैं जामा मस्जिद में क्योंकि मुझे यहीं का ही खाना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं हमेशा यहीं का ही खाती हूँ, तो मुझे यहाँ का बहुत ही ज्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट है। चलिए अभी ऑर्डर किया है, अभी जैसे आएगा मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। तो हमारा खाना आ चुका है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँ कि मेरी जो है मलाई टिक्का फेवरेट है, तो ये मैं हमेशा खाती हूँ यहाँ पर आके। आप देख सकते हैं मलाई टिक्का, ये मेरा फेवरेट है, मैं ये हमेशा खाती हूँ। मलाई टिक्का आ चुका है और तंगड़ी जो है मेरी फेवरेट है और मलाई टिक्का इनका फेवरेट है। बैक कैमरे से दिखा दिया, तो चलिए इसको करते हैं यहीं पर कट। जो है वो गए हुए हैं पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करना और मेरा स्कार्फ देखिए कैसे गिरे जा रहा है। और जैद और मैं जो है आ चुके हैं घर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग अभी से व्लॉगिंग कर रहे हैं और हम छत पर हैं और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और शेन ये देखिए गाइस बहुत मजा आ रहा है नहाने में। पहली बार इतने दिनों बाद बारिश में नहा रहे हैं। वैसे तो मोबाइल वाटर प्रूफ है देखिए ना। तो शैल मैं ना जैसे टेरेस पे आई तो शैल मुझसे कहने लगे बहुत तेज बारिश हो रही है हवा के साथ, तुम मत जाओ। मैंने इनकी सुनी नहीं, सीधी अंदर टेरेस पे। वैसे तो मोबाइल वाटर प्रूफ है, मैं लेके जाना चाहती हूँ बट मैं रिस्क नहीं ले रही वरना फिर मुझे अपनी किडनी बेच कर मोबाइल शैल को दिलाना पड़ेगा। मैं अपना फोन नहीं लेकर आई, उनका फोन लेकर आई। तूफान कितना तगड़ा है, बारिश इतनी तेज है कि ठंड इतनी लग रही है, हवा बहुत ठंडी। और ये देखो इसे ठंड लग गई। और ये देखो मजा आ रहा है भाई, फूल ये मॉल ऑफ के है इसके। और ये देखो ठंड लग रही है, ठंड तो मैं देख कर ये कमजोर आदमी। ये देखो बारिश को देख के इनका बचपना जाग गया। हाँ करो करो करो, ये मैं छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम के लिए रील भी बनाई थी, तो वो आप जाकर इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं मेरी आईडी पे और लाइक भी जरूर करिएगा। तो अब हम जा रहे हैं नीचे, बारिश हो गई बंद, हम नहा लिए, गीले हो गए पूरे 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 तर हो गए पानी में। ओ मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। लो 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 अपना काम निकालना है ना, तुम्हें अपना काम निकालना है, नहीं निकालना कहीं पर खड़े हो मॉल में भी खड़े हो अपने को। भाई साहब हमें एक बार वो चावल दे दो कि हम यहाँ से मुझे बना ले, वो क्या अगर वो कह रहे थे हाँ भाई बना लो कि बाद में तुम उसके साथ बदतमीजी करोगे। आप देख सकते हैं इन सबकी क्लास लग रही है, आज नौइन बाजी को गुस्सा आ गया है। ये लेके बाजी का दिल रुक गए। ये आपको कैसा लगा, पापा ने आपको डांटा, नौइन बाजी ने डांटा? मेरे को समझ, उन्होंने समझाई बहुत सी चीजें जो मेरे समझ में आई हैं। डांट रोने वाला था बस, इनको लिया है ये रोने वाले थे बस। और डांट जरूरी होती है, वो डांट से इंसान सीखता है, तो वो जरूरी थी मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा निकम्मा हो रहा था। तो शैल भाई आपको कैसा लग रहा है पापा की डांट खा के? तो काम तेरा करवाया हुआ है सर? मेरा करवाया हुआ नहीं है, मैंने एक भी बात झूठ नहीं बोली, सब कुछ सच सच बोला था। और अब मैं आपको छोड़ दूंगी। सब बताइए आपको कैसा लगा? मेरी कोई गलती नहीं थी वैसे, तो मुझे तो खाली समझाया टाटा तो इसको है, इसकी धूल उतार दिया इस बाजी ने सही से, लेकिन इसको फिर भी शर्म नहीं आएगी साला। बेशरम आदमी बेशरम,
अभी समझाया है कल फिर वैसी हो जाएगा, अभी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कल फिर वैसी हो जाएगा, ये नहीं समझाया कभी। हारिश भाई जी, समझ आ रही? अब मुझे समझ आ गई है, कल से मैं काम पे ध्यान दूंगा, 10 बजे उठूंगा और फिर अपना काम करने जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो हम लोग बारिश के मजे ले रहे थे, नहाए और उसके बाद जो है हम अभी फ्री हुए हैं शाम को। आज जो है आज बना रहे हैं शेल चिकन। शेल क्योंकि बाहर गए हुए थे, ये जस्ट अभी ही आए हैं और आते ही ये कहने लगे कि आज का जो चिकन कोरमा है वो मैं बनाऊंगा। तो चलिए आपको रेसिपी दिखाते हैं कि ये कैसा चिकन बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और फिर आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, तो मैं आपके सामने पेश हो चुका हूँ आज एक नई रेसिपी लेकर। मैं आपको बताऊंगा कि चिकन कोरमा कैसे बनता है और मेरे तरीके से कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भूरा और मैं चिकन का कर दूंगा काम पूरा। तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज मैं डालता हूँ और किस तरीके से मैं मुर्गे को बनाता हूँ। तो चलिए इस पार्ट को करते हैं यहीं पर ही कट, करते हैं शुरू। हम हैं अभी किचन में और मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ इनकी बैक कैमरे से कि ये क्या क्या कर रहे हैं। कि ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा है आज कोरमा बना के, जैसे पता नहीं ये किचन में खड़े होकर इतना इतरा रहे हैं। जल्दी बैक कैमरा कर दो, टाइम हो रहा है। तो ये प्याज काटने स्टार्ट कर दिए हमने। अब हमने ये प्याज डाल दी है, अब हम इसको करेंगे ब्राउन। चिकन जो वॉश किया था उसको हम डालेंगे तेल के अंदर। तेल के अंदर डालने के बाद एक मर्तबा डालेंगे और उसके बाद 2 से 3 मिनट के अंदर उसको निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हमने ये मसाले तैयार किए सारे के सारे, जीरा, तेज पत्ता, लाल मिर्च, अच्छा वो क्या बोलते हैं, कड़ी पत्ता, कड़ी हम, अरे ये इसका नाम याद नहीं रहता यार, क्या है तेज पत्ता, नहीं कड़ी लीव्स, ये नहीं, ये दालचीनी, ये दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची। उसके बाद हमने यही मसाला लिया है, इसके अंदर डाला है हमने पिसा हुआ धनिया, पीली मिर्च, लाल मिर्च, 10 से 12 बादाम लिए हैं और काजू लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे गोला, ये हम इसके अंदर गोला बारूदा डाल के, उसके बाद ये हम डालेंगे ब्राउन बाद में, ठीक है, जब मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद ये हमने लिया है 1/2 किलो दही, लहसुन अदरक का पेस्ट जी। हमने इसके अंदर अभी डाल दिया है चिकन को, थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ना आप रहे और गर्मी मुझे लग रही है। हाँ तो आप शूट कर रही हो ना, इसलिए गर्मी आपको लग रही है। शेल आप मुझे कितने प्यारे लग रहे हो ना किचन में खाना बनाते हुए। सही है। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस मुर्गे को वापसी निकाल लेंगे। देखिए कितने प्यार से और कितनी मेहनत से ये खाना बना रहे हैं आज, और आज ये बहुत इतरा भी रहे हैं खाना बनाते बनाते में, जैसे कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो कभी कभी किचन में आते हैं ना और कभी कभी खाना जो बनाते हैं वो अक्सर इतराते ही हैं। सही है। तब जब भी कोई खाना बनाता है तो ये फीडबैक देते हैं, तो आज हम इनको फीडबैक देंगे कि आज इन्होंने कैसा बनाया है खाना। तो आज बड़े दिनों बाद हमारे घर में बन रहा है चिकन कोरमा और काफी ज्यादा मजा आने वाला है खाने में, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग बाहर का खा रहे थे या फिर हम सब्जी दाल रोटी खा रहे थे, आज हम दबा के खाएंगे कोरमा। मेरी 10 से 15 रोटियां पूरी फिक्स है, बिल्कुल फिक्स। अब कौन कितनी खाएगा ये अल्लाह बेहतर जाने। ओ ये क्या चमत्कार हो गया, तुम दोनों की हाइट एक जैसी क्यों लग रही है? ओहो राज की बात बताऊं, ये देखो गाइस कि ये पटरे पे चढ़ के इनके बराबर अब भी नहीं आ पा रही है वैसे देखा जाए तो, मगर कोशिश पूरी करिए इन्होंने पटरे पे चढ़ के, ये देखो। अरे अरे जाओ तुम तो भैया, तुम तो बेकार ही निकले। हम इसके अंदर डालेंगे गर्म मसाले जो हमने लिए थे, तो अब हम डालेंगे अपना मसाला जो कि मसाला हमने लिया था। फिर इस मसाले को डालने के बाद इस मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको भी भूनेंगे। नमक अपने अनुसार डालना है, हम लोग तो डाल रहे हैं। इसके अंदर डालेंगे दही, दही डाल के भूनेंगे इसको। जैसे ही हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद डाल देंगे हम फाइनली चिकन। अब इसके अंदर हल्का हल्का लाइट बिल्कुल उबाल आ चुका है, अब इसके अंदर डाल देंगे हम जो हमने गोला और बादाम और जो काजू मिक्स की करके क्या कहते हैं मशीन में पीसा था वो डालेंगे हम इसके अंदर। अब इसको हम करेंगे मिक्स। तो ये देख सकते हैं बेचारे पूरे भीग चुके हैं, इनको मैं पसीने में तरतर हो चुका हूँ, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है प्लीज इस तरीके से एक बार अपने भी घर में बना के देखें, अगर आपको टेस्ट ना आए तब कहिएगा। लास्ट में हल्का सा आपको
जब इसकी तरी तैयार हो जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। फिलहाल के लिए भी हम देख रहे हैं कि हमारा मसाला तैयार हो रहा है हल्का सा। जब हमारा मसाला भुन जाएगा उसके बाद हम चिकन उठा के मसाले में डाल देंगे और पानी डाल के थोड़ा सा फिर इसको रख देंगे। तो हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है, अब हम इस चिकन को इसके अंदर डाल देंगे। हमारा मसाला भुन चुका था, अब हमने चिकन इसके अंदर डाल दिया है, हम अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब कुछ हमने डाल दिया है, इसको रख दिया है पानी डालने के बाद भुनने के लिए। अब जब ये पूरा का पूरा भुन जाएगा मतलब पक जाएगा उसके बाद आपने देखना है। अभी फिलहाल के लिए इसको ढक दें। हमारा इमाम दस्ता जो था वो खराब हो चुका है, हम कटोरे के अंदर डाल के ही अब मखानों को कूट रहे हैं। और इधर देखिए, इधर ये जो है आपका कहते हैं ब्राउन जो है वो हमने हाथ से ही मिक्स पीस लिए उसको, जो कि हम ग्रेवी बनाएंगे जिससे। अब हम इसके अंदर ब्राउन डालेंगे। ब्राउन डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपनी ग्रेवी पकड़ लेगी, असली मजा आएगा। अब जब ये पूरे सामान के अंदर मिक्स हो जाएगी, मिक्स होने के बाद ये प्लेट में आ जाएगी और उसके बाद ये मुंह में चली जाएगी और टेस्ट बताया जाएगा आपको खा के कैसा है। ये हमारा चिकन कोरमा बन के रेडी हो चुका है, हम आपको इसको प्लेट के अंदर निकाल के दिखाएंगे। फिलहाल तो इसके अंदर उबाल है, अभी दिखेगा नहीं आपको। तो माशाल्लाह से हो गया है रेडी, अब देखते हैं टेस्ट करके कैसा बना है। और इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। तो पापा और मैं अपने लिए बना रही हूँ घर की रोटी, क्योंकि मैं और पापा नहीं, पापा वैसे भी पापा से बाहर की जो रोटी है तंदूर की वो चपती नहीं है, तो इसलिए मैं पापा के लिए तो रोटी बना रही हूँ और अपने लिए भी बना रही हूँ, क्योंकि रात को जब मैं खा रही हूँ तंदूर की रोटी तो मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है, इसलिए मैं अपने लिए और पापा के लिए बना रही हूँ घर की रोटी। और ये सब जो है बाहर की रोटी खाएंगे। वैसे कोरमे से जो है वो ज्यादातर अच्छी लगती है, टेस्टी बाहर की रोटी, बट मैं नहीं खा रही। और आज मैं छोटी छोटी गोल गोल रोटी बनाऊंगी पापा के लिए। कैसा बनाया? बढ़िया बना हुआ है। तो देखिए ये निकलना स्टार्ट हो गया है, और ये देखिए ये गरीब लोग ये देखिए बैठे हुए हम दोनों गरीब, जो कि निकालेंगे लास्ट में। अभी इनसे पूछेंगे कैसा बना है, अभी निकालने दो। बाजी की तबीयत खराब है इसलिए बाजी जल्दी से ही, क्योंकि पहले हमने बाजी को दलिया खिला दिया तो बाजी से रुका नहीं गया, वो जल्दी से रूम से बाहर चली गई। अगर वो हमें खाते हुए देखेंगे तो उनका मन करेगा इस वजह से। भाई आप एक बाइट मार के गए हो, आप एक बाइट खा के गए हो, कैसा लगा? अभी मजा नहीं आया, पेट भर के खाऊंगा। चलो हाजी भाई सब कैसा लग रहा है? आला बहुत बढ़िया। तो बच्चे बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। और उस्मा जी तुम्हें कैसा लग रहा है? इनसे पूछते हैं अब। जी आपने टेस्ट कर लिया? बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे ज्यादा इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इन्होंने बनाया। अभी मैं खा के बताऊंगा कैसा लग रहा है, दिखाओ एक नहीं वाला। मैं खिलाता हूँ, देखो मैं खा के तो देख लूं। टेस्टी जबरदस्त हो रहा है। तो अब हम खाते हैं, आप लोग भी जब बनाएंगे तब खाना। तो चौधरी लक्ष्य आपने पूछा था कि सबसे फेवरेट आपका सबसे फेवरेट इत्र कौन सा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरा फेवरेट है सबसे ज्यादा वो है ब्लैक ऊद और दूसरा है जमजम। जी और मैं भी वही लगाती हूँ। अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप लोगों की व्लॉग की टाइमिंग क्या है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे व्लॉग की टाइमिंग है 8 से 10 बजे, हम कभी भी अपलोड कर सकते हैं। और 8 बजे का पर्पस ये था कि रमजान का एक शेड्यूल था कि 8 बजे ही हम लोग व्लॉग अपलोड कर रहे थे, बट रमजान के बाद जो है शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो गया है, टाइमिंग भी थोड़ी सी चेंज हो गई है, हम लोग बिजी भी हो जाते हैं कभी कभी और फिर एडिटिंग करते हैं और उसके बाद जो है थोड़ा टाइम अपलोड करने में भी कुछ कुछ कभी नेटवर्क इश्यूज होते हैं तो अपलोड नहीं हो पाता है टाइम टू टाइम। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि हम लोग जो 8 से 10 के बीच में कभी भी व्लॉग अपलोड करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि डेली व्लॉग दीजिए, आप लोग गैप दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वैसे तो हम लोग डेली ही, हमारा है कि पर्पस आपको लोगों को डेली व्लॉग देंगे, डेली ही व्लॉग बनाते भी हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है बाई चांस घर पे मेहमान आ जाते हैं तो हम व्लॉग नहीं शूट कर पाते उस दिन। और बहुत सारे मेहमान जो होते हैं वो लोग एतराज करते हैं व्लॉग में नहीं आते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हमें अर्जेंट काम से कुछ बाहर जाना होता है और जैसे किसी की तबीयत खराब है या
हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं, टाइमिंग होती है, उन टाइम्स पे भी हम जो है व्लॉग शूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एडिटिंग में ऐसा होता है कि हम लोग एडिट करते हैं और उसके बाद अपलोड करते हैं तो टाइमिंग आगे बढ़ जाती है, तो जब ज्यादा लेट हो जाता है तो इस वजह से भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाते हैं। लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपका हिजाब ट्यूटोरियल नहीं आ रहा है, तो गाइज मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी और हिजाब ट्यूटोरियल की वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी, जैसे आपको मेकअप की वीडियो मिल गई थी हिजाब ट्यूटोरियल की वीडियो भी आपको जरूर मिल जाएगी। और गाइज आप लोगों के मैंने और कमेंट पढ़े थे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या स्टडी कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और जिसके एग्जाम्स जो है वो दिसंबर में दूंगी मैं, क्योंकि दिसंबर सेशन है मेरा, हमारे कॉलेज में जो है दो सेशन होते हैं जुलाई में और दिसंबर में, तो मेरा जो सेशन है वो है दिसंबर का और मेरा एक साल वेस्ट हो चुका है, क्योंकि पिछले साल मैं एग्जाम्स देती उसी टाइम पे दिसंबर के टाइम पे जब मेरे एग्जाम्स देने की टाइमिंग थी उस टाइम पे मेरी शादी हो गई, तो इसलिए इस साल इंशाल्लाह मैं जरूर एग्जाम्स दूंगी दिसंबर में, तो अब आपको क्लियर हो गए होंगे। और भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो जितने भी जो भी कमेंट आपके हैं मैं इंशाल्लाह जरूर सबके रिप्लाई देती हूँ, और जिनके नहीं दे पाती हूँ उनके लिए उनको मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के रिप्लाई जरूर देती हूँ। इन सारे रीजंस की वजह से व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पाते टाइम टू टाइम, बट आप लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इतना ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट रीड करके बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी मिलती है, उसके लिए मैं हमेशा ही आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट करते रहें। जैसे कि हमारे सामने हमेशा पेश होते हैं जलील शायर, आज भी पेश होने वाले अपनी जलील सी शायरी लेके, ये तालियों के साथ स्वागत करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जलील शायर और मैं आज पेश करना चाहता हूँ एक जलील शायरी। इरशाद, के तू यहीं रहे या अपने माँ के घर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहने मुझसे थोड़ा बहुत रिलेटेड, क्या कहने। के तू यहीं रहे या अपनी माँ के घर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तू मुझे वैसे भी इतना डरा के रखती है, घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, सबसे पहले लेते हैं इनसे फीडबैक इस शायरी का। जी बताएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कल से जलील शायर नहीं आएंगे हमारे ब्लॉग में। हमारे ब्लॉग में जलील शायर बिल्कुल आएंगे, क्योंकि वो हमारे सपोर्टर हैं और सपोर्टर रहेंगे, यहाँ के हमारे एक पार्टनर भी हैं वो। खैर छोड़िए इनकी बातों पे ध्यान ना दीजिए, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक हमारे साथ बने रहें, हमारे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं, दोबारा मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, ये पागल हो चुके हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।